हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम आपका करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे जी आज का जो सेशन है वो फोर्थ दिसंबर से टेंथ ऑफ दिसंबर के जो करंट अफेयर है इनका जो लास्ट वीक के करंट अफेयर है इनको हमने आज डिस्कस करना है तो स्टार्ट करते हैं जी हमारे करंट अफेयर लास्ट वीक के चलिए जी ट्राइबल सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहली न्यूज़ है जी ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर हम बात करें जी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन ने इसको रिलीज़ किया है द ट्राइबल कम्युनिटीज आर द बॉटम ऑफ इंडियन डेवलपमेंट पैरामिड जो इंडिया का एक डेवलपमेंट पैरामिड है उसके बिल्कुल बॉटम में ये लाई करते हैं नीचे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल एट पॉइंट टोटल पॉपुलेशन का एट पॉइंट सिक्स परसेंट पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है ठीक है जी कितने परसेंटेज है एट पॉइंट सिक्स परसेंट पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो ट्राइबल पॉपुलेशन है टोटल का ये बात याद रखेंगे दो हजार ग्यारह के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम वैसे बात करें एक तो ये तो डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है अगर हम सिंपल बात करें कि इंडिया में लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है तो आपका आंसर आएगा भील क्या आंसर आएगा जी भील लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप आप कह सकते हो जी लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ त्रिपुरा वाला एरिया अराउंड थर्टी एट परसेंट इनकी पॉपुलेशन है सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप आपका इंडिया में कौन सा है जी भील भील ट्राइब जो है और दूसरी बात इंडिया में नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स की अगर बात करें तो वह सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं जी ओडिशा में अगर नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम कहां पे हैं जी ओडिशा नहीं अगर अगर नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स की बात होगी तो मैक्सिमम ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स तो ओडिशा में है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पे है तब आपका आंसर आएगा मध्य प्रदेश फिर आंसर क्या आएगा जी मध्य प्रदेश मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है जी मध्य प्रदेश में और नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप सबसे ज्यादा कहां पे है ओडिशा में और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया में कौन सा है जी भील क्लियर होगी ये चीजें अगर बात नेक्स्ट हम बात करें आपको पता है कि पॉलिटी में भी हमारा एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एन एस सी एस टी पहले एक ही होता था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट ये वाला अब आज की डेट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो कि ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है इसका हमारे संविधान में आर्टिकल है थ्री थर्टी एट ए थ्री थर्टी एट ए आर्टिकल ए बाद में ऐड हुआ है पहले ये एक ही होता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अब दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं नेशनल शेड्यूल कास्ट अलग है नेशनल फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग है नेशनल शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल 338 है और इसको अलग कब किया गया है इसको अलग किया गया है संविधान की एटी नाइन्थ अमेंडमेंट है 2004 में हुई थी 2004 में संविधान में एटी संशोधन हुआ था जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक अलग से बॉडी बना दी गई थी और एक आर्टिकल ऐड किया था 338 ए तो इट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्लियर एवरीवन सभी को क्लियर है ये चीज चलिए जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल है 338 ए अच्छा अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पूछेगा तो 338 बी है तो 338 बी आर्टिकल उसका आंसर आएगा तो ये जनरली ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है आप ध्यान रखोगे इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन और अब ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन ने लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप भील है थ्री थर्टी एट आर्टिकल के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है जिसको एटी नाइन्थ अमेंडमेंट दो हजार चार के अंदर लाया गया और सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स ओडिशा में है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन प्रदेश में है चलिए जी आगे देखिए जी नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है नंबर ऑफ पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड अक्रॉस हंड्रेड मिलियन इन दो ऐसे लोग जिनको उनकी मर्जी के बिना फोर्सबली या ज़बरदस्ती उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया तो उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि हंड्रेड मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया गया है जी डिस्प्लेस किया गया है तो ये आपका ये डाटा है सिर्फ आप इसको इतना ही याद रखोगे आगे डिटेल में नहीं पढ़ना आरबीआई लॉन्चेज डिजिटल रुपी रिटेल सेगमेंट ई रुपे लिख रहा है इन फोर सिटीज आर बी आई ने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक नई करेंसी आ रही है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर बी आई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है एक डिजिटल मनी होगी बोले जैसे अभी आज की डेट में क्या होता है पेपर करेंसी होती है तो वैसे ही होगा सारा कुछ वैसे ही बट वो डिजिटल होगा एक तरह से ठीक है जी आर ने अभी पायलट प्रोजेक्ट पे रिटेल लेवल पे डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है अपना विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सॉवरन करेंसी टोटल 1.71 करोड़ के डिजिटल करेंसी दी गई है किन को दी गई है इन द रिटेल पायलट्स ऑफ द डिजिटल रुपी एट बैंक्स वाइज पार्टिसिपेशन इन फोर सिटीज़ चार शहरों में ये शुरू किया है मुंबई न्यू डेली बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर ये चार शहर हैं जी जिनमें ये बात शुरू की गई है और पहले फेज में चार बैंक इंक्लूड किए गए हैं एस बी आई आई सी आई सी बैंक येस बैंक एंड आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अभी डिजिटल करेंसी की बात हो रही है ठीक है जी ये डिजिटल करेंसी की बात हो रही है सिमिलर होगा बस पेपर नहीं होंगे आपके फोन जनरली आपको डिजिटल सौ रुपए का नोट दिखेगा दो सौ का दिखेगा दो हजार का दिखेगा कैनरा बैंक बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड कैनरा बैंक जो है उसको बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एशिया पैसेफिक रीजन में एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट कहाँ पे हुआ लंडन यूके सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्लोबल बैंकिंग समिट कहाँ पे हुआ लंडन में और एशिया पैसेफिक रीजन में बैंकर बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किस मिला है जी कैनरा बैंक द बैंक हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर दो बाकी और यहाँ पे अवार्ड मिले हैं कि वर्ल्ड में किसको मिला है ग्लोबल बी हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एशिया पैसिफिक में स्टैंडर्ड चार्ट बांग्लादेश बैग्ड द 2022 बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है जी कैनरा बैंक नॉर्मल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बांग्लादेश वाले बैंक को और ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर मिला है ग्लोबल बीबीवीए बैंक को तो ये सबमिट हुआ था लंदन में वहां पे ये अवार्ड दिए गए हैं प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 ये देखिए अतुल पटेदार फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फार्म कार्ट ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड फार्म ऑनलाइन प्राइवेट सर्विस लिमिटेड जो कि एक इंडिया तो फर्स्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टार्टअप है एग्रीकल्चर में इनोवेशन एक स्टार्टअप है फार्म कार्ट तो इसके जो फाउंडर हैं और इसके जो सीईओ हैं अतल पतिधर इनको ये अवार्ड मिला है प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ रूरल फार्मर्स रूरल फार्मर्स की लाइफ चेंज करने में इन्होंने काम किया है कि कैसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए फार्मर्स अच्छी पैदावार कर सकते हैं कैसे वो अपना लाइवलीहुड इंक्रीज कर सकते हैं तो कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आप कह सकते हो इनफिल्ट्रेट किया है और इसलिए इन, इन रीजन की वजह से जो फार्म कार्ट है उसके जो सीईओ और जो फाउंडर है अतुल पटीदार उनको यह अवार्ड मिला है प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया दो अवार्ड बाईस इंडिया टू एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वसेनर अरेंजमेंट ऑन फर्स्ट जनवरी इंडिया एक जनवरी 2023 से एक साल के लिए वैसेर अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप इंडिया के पास रहेगी देखिए अब आप कहोगे कि सर ये है क्या आप इसके बारे में बताइए थोड़ा सा एक्चुअली यहां पे मैं आपको बात बताऊं मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम आप कह सकते हो एम ई सी आर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम एम ई सी आर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की अलग अलग चीजों में जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए एक कंट्रोल रिजीम बना रखा है अब इसमें चार चीजें आती हैं वन टू थ्री फोर सबसे पहला आता है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है जी आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप दूसरा आपका आता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ग्रुप तीसरा आपका आता है जी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम और फोर्थ आपका आता है वेसनर अरेंजमेंट। तो ये चार आपके मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स हैं अब देखिए क्या है ध्यान से सुनिएगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये उन देशों का ग्रुप है जो कहते हैं कि हम किसी को भी न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे जो इसका मेंबर नहीं है अब इंडिया चाहता था कि मैं इसका मेंबर बनूं बट इंडिया को इसका मेंबर बनने नहीं दिया जा रहा था चाइना उसको रोक रहा था कि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया एन को तो इंडिया को हम मेंबर नहीं बनाएंगे एन का ऐसे ही एक ग्रुप है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो बात करता है कि केमिकल वेपन्स केमिकल कह सकते हो बायोलॉजिकल कह सकते हो ऐसे वेपन्स का जो एक्सपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो वो वही कंट्रीज़ में होगा जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के मेम्बर होंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए है एन एस जी न्यूक्लियर सप्लाई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है न्यूक्लियर के लिए है एम टी सी आर मिज़ाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये इसमें भी कुछ कंट्रीज हैं जिनका एक समूह है जो कहते हैं कि हम बाहर वाली कंट्री को मिसाइल नहीं देंगे कौन सी मिसाइल नहीं भेज सकते जिस मिसाइल जो मिसाइल 500 केजी का पेलोड उठा सकती है और जिसकी रेंज तीन किल तीन सौ किलोमीटर से ज़्यादा है ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज तीन सौ किलोमीटर से ज़्यादा है और वो पाँच सौ बाहर उठा सकती है तो ऐसी मिज़ाइल्स का अगर व्यापार करना है तो ये कंट्रीज आपस में ही करेंगे जो एम टी सी आर के मेंबर्स हैं मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम तो इंडिया इसका मेंबर कुछ ही साल पहले बना है एम टी सी आर का पहले हमने अगर आप देखो इंडिया ने एक मिजाइल बनाई थी ब्रह्मोस उसकी रेंज रखी थी दो सौ नब्बे किलोमीटर क्यों क्योंकि अगर हम तीन सौ रख देते तीन सौ से ज्यादा रख देते तो हम इनको नहीं बेच सकते थे जो इनके मेंबर्स थे एम टी सी आर क्योंकि ये हमसे नहीं खरीदेंगे अब इंडिया इसका मेंबर बन गया अब हम 300 से ज़्यादा की रेंज की मिसाइल भी बना देंगे ब्रह्मोस हम इनको भेज सकते हैं क्योंकि इंडिया इसका क्या है जी मेंबर है ऐसे ही एक अरेंजमेंट है वेसेनर अरेंजमेंट ये जनरली सारी चीज़ें एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि एक्सपोर्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए वेसेनर अरेंजमेंट नाइनटीन में हुआ और इसका मेन काम क्या है मोनिटर करना किसको ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शनल वेपन्स एंड डूअल यूज गुड्स कन्वेक्शनल वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स, टैंक वगैरह इनका एक जगह से दूसरी जगह व्यापार और दूसरा डूअल यूज गुड्स डूअल यूज मतलब ऐसी चीज़ें जो पीसफुल के लिए काम भी आते हैं और आर्म्स में भी काम आते हैं जैसे न्यूक्लियर है न्यूक्लियर से लाइट भी बनती है और ये अपना आइटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज़ होता है तो ऐसी चीज़ों का जो ट्रांसफ़र है उसको मोनिटर करने के लिए वेसनर अरेंजमेंट बना रखा है इंडिया इसका मेम्बर है अरेंजमेंट का India, का इंडिया नहीं है इसका इंडिया है और रही बात अब इसकी चेयरमैनशिप वे अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है एक जनवरी 2023 से एक साल के लिए क्लियर होगी ये बातें यस और नो जल्दी से बताइए जी क्लियर है सभी को इंडिया 2017 में इसका मेंबर बना था और फोर्टी सेकेंड मेंबर था इंडिया और इसके टोटल मेंबर भी आज की डेट में 42 ही हैं जो आपका वेस्ट अरेंजमेंट है जल्दी से यस और नो में आंसर दीजिए क्लियर हो गया सभी को प्लीज यस और नो समझ आ गया चलिए जी ठीक है जी अगर समझ आ गया मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के चार चीजें हैं वो चार चीजें ये हैं आपको मैंने बता दिया और इंडिया अभी इंडिया को वसनर अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप मिली है ये 1996 में ग्रुप बना है चलिए जी आगे विजय हजारे ट्रॉफी आपने सुना होगा कि सौराष्ट्र रीजन वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल टाइटल बाय डिफीटिंग द महाराष्ट्र इन द फाइनल एट मोतेरा अहमदाबाद ठीक है जी वहाँ पे सौराष्ट्रा रीजन ने ये ट्रॉफी को जीत लिया है मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है महाराष्ट्र के उनकी जो उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला उसके लिए उनको मिला है विजय हजारे ट्रॉफी एक मास्टर कार्ड विजय हजारे ट्रॉफी है ऑल्सो नो द वनडे ट्रॉफी ठीक है जी आपको पता है इसको रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है विजय हजारे ट्रॉफी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है जी कि, कि किसने जीती है और यह स्टार्ट कब हुई थी 2002-2003 में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी तीन दिसंबर तीन दिसंबर को दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इंक्रीज टू फोर्टी एट इंडिया ग्लोबल देखो जी इंडियन सॉरी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल एविएशन मतलब उनके साथ जो डील करते हैं उन्होंने एविएशन सेफ्टी रैंकिंग दी है जिसमें इंडिया का रैंक क्या आ गया है जी फोर्टी एट्थ लास्ट टाइम इंडिया का रैंक क्या था 102 2018 में इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट की है एविएशन सेफ्टी में चाइना भी इवन पीछे है इंडिया आगे आ गया है तो इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया है एक से फोटी पे इंडिया आ गया है Improved सेफ्टी रैंकिंग विल मेक इट ईजियर फॉर इंडियन कैरियर्स टू एक्सपेंड their विंग्स अब्रॉड जितना ज़्यादा इंडियन एविएशन सिक्योर होगा ठीक है जी या आप कह सकते हो कि सेफ होगा उतना ही हम और ज़्यादा अपने आप को दुनिया में और ज़्यादा मतलब फ्लाइट्स हमारी चला सकते हैं अलग अलग देशों में जितना ज़्यादा सेफ़ होगा तो इंडिया का रैंक फोर्टी एट था है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये रैंकिंग दी है नाइनटीन नाइन पॉइंट सिक्स नाइन सिंगापुर टुक द टॉप स्पॉट सबसे टॉप पे कौन है जी सिंगापुर सेकंड इज यूएई थर्ड इज सऊदी अरेबिया सेकंड यूएई थर्ड क्या है आपका सऊदी अरेबिया और रही बात आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये 1944 में बनी है और हेडक्वार्टर कहां पे है मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है जी नाइनटीन फोर्टी फोर मॉन्ट्रियल आर ई एल मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है 1944 में बना है आपका आईसीएओ प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स अकॉर्डिंग टू प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स पब्लिश्ड बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इन्होंने बोला मुंबई महाराष्ट्र का ट्वेंटी सेकेंड रैंक है इन दिस ग्लोबल इंडेक्स दैट एनालाइज जनरली ये ऐसे एक रैंकिंग दी जाती है जिन शहरों का रेट हर साल इंक्रीज होता है जहां पे रहने का आप कह सकते हो एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जहां पे प्रीमियम जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जिनके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है तो उनकी एक रैंकिंग दी जाती है जिसमें मुंबई महाराष्ट्र का रैंक क्या है ट्वेंटी सेकेंड इस रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट है जुलाई से सप्टेम्बर की तीन इंडिया के शहरों का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है मुंबई का बेंगलुरु का और तीसरा न्यू दिल्ली का दुबई दुबई टॉप द रैंकिंग रैंकिंग फॉलोड बाय म्यामी यूएसए एंड टोक्यो ये तो वर्ल्ड का आ गया दुबई में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है सेकंड इज म्यामी और तीसरा क्या है आपका टोक्यो इंडिया में सबसे ऊपर रैंक इसका है जी मुंबई का ट्वेंटी सेकेंड रैंक और तीन शहर इंडिया के टॉप पे कौन से हैं मुंबई बेंगलुरु एंड न्यू डेली जिनके प्राइस इंक्रीज हुए हैं टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स इंडिया के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी वो ऑन द दो हज़ार बाईस टाटा स्टील चेस इंडियन ओपन ब्लिट्स डिफिटिंग अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामूरा एट द दो टाटा स्टील चेस ब्लेट्स जो ये रैपिड एंड ब्लिट्स फोर्थ एडिशन था इस टूर्नामेंट का जो कि कोलकाता में हुआ वेस्ट बंगाल में टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स का जो फोर्थ कॉम्पिटिशन था कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ और इसको जीता किसने अर्जुन एरिगासी ने अर्जुन एरिगासी ने जीता है इंडियन इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रमेश बाबू डिफीटेड यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर मरिया मजचुक टू विदा दो हजार बाईस टाटा स्टील चेस इंडिया वोमेन्स टाइटल वोमेन बुलेट्स टाइटल किसने जीता है जी रमेश वैशाली रमेश बाबू उन्होंने यूक्रेनियन के ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया है ये वोमेन कैटेगरी में वो मेन कैटेगरी में है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेजिडेंट्स कप शूटिंग रुद्रांश पाटिल इंडियन शूटर हैज वॉन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप दो हजार बाईस इन कायरो, इजिप्ट बाइ डिफीटिंग इटली डेनिलो सलाजो इन द टेंथ मीटर राइफल दस मीटर राइफल में इंडियंस ने रुद्रांश पाटिल ने डिफीट कर दिया इटली के डेनिलो सलाजो, जो कि ये कायरो में हो रहा था इजिप्ट में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स प्रेजिडेंट कप शूटिंग प्रेजिडेंट कप शूटिंग है ये आपको पता हो कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया सोलह दिसंबर 1971 16 दिसंबर 1971 जब इंडियन फोर्सेस बांग्लादेश के आसपास पहुंची हुई थी जो कि ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया था हमारी नेवी ने उस हमले का दोबारा जवाब दिया था और ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 की जो वॉर इंडिया पाकिस्तान उस टाइम पे जो नेवी ने अपना एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट वो जिस दिन चलाया था चार दिसंबर को उस दिन मनाया जाता है आपका नेवी डे इंडिया में फादर ऑफ नेवी किसको कहते हैं हम कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी भोंसले नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी क्योंकि इन्होंने नेवी इस्टेब्लिश की थी ठीक है जी तो इनको बोला जाता है फ़ादर ऑफ इंडियन नेवी हमारे चीफ कौनर नेवल स्टाफ के आर हरि कुमार एडमिलर एडमिरल आर हरि कुमार चलिए जी आगे वर्ल्ड सॉयल डे दिसंबर फाइव यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सॉयल डे हर साल मनाया जाता है जी पांच दिसंबर को देखिए जी soil जो होती है ठीक है जी सॉयल अकॉर्डिंग टू अगर मैं इंडिया की बात करूं अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई सी ए आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो इंडियन सॉयल है वो आठ कैटेगरीज में उसको बांटा हुआ है आठ तरह की इंडियन सॉयल है ठीक है जी वो आप जोग्राफी में देख के आओगे पढ़ के आओगे कि आठ कैटेगरीज की मिट्टी कौन सी है एलुवियल है रेड है लेटराइट है ब्लैक सॉयल है ठीक है जी सेलाइन सॉइल है एरिड सॉयल है पैटी सॉयल है तो ये सारी चीज़ें आप देख के आओगे कि वो कैसे बनती हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियन सॉयल को आठ कैटेगरीज में बांटा हुआ है तो अगर हम सॉयल की बात करें सॉयल डे कब मनाया जाता है जी पाँच दिसंबर को कब मनाते हैं जी फाइव दिसंबर को और एक चीज़ और जनरली जो सॉयल जो सॉयल होती है हमारी सॉयल का वैसे सभी को जनरली सॉयल को हम बांट लेते हैं जैसे ए और उसके बाद हम बोल देते हैं जनरली एक लेयर आती है ई देन बी और फिर आपका आता है सी और फिर आपका आता है आर और बिल्कुल एक ऊपर लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं ओ ये पूरा का पूरा सॉयल होराइजन है या सॉयल प्रोफाइल है की सॉइल नीचे नीचे कैसे होती है थोड़ा सा सुन लीजिए जो बिल्कुल ओ वाला एरिया होता है ये बिल्कुल मिट्टी के ऊपर वाला एरिया होता है जहां पत्ते वगैरह रहते हैं आपके पत्ते पड़े रहते हैं ठीक है जी लीफ लेटर वाला एरिया जो होता है जहां पत्ते जड़ के गिरते हैं मिट्टी के ऊपर वो वाला एरिया आपका ओ होता है और ए वाला एरिया टॉप सॉइल इसको बोलते हैं टॉप सॉइल ये वो वाला एरिया होता है जहां पे सीड्स सीड्स आप सो करते हो या जहां से प्लांट्स ग्रो करते हैं ये आपकी टॉप सॉयल होती है ए वाली और ई होता है आपका एलुविएशन एलुविएटेड जोन जिसको हम बोलते हैं लीचिंग यहां पे जब बारिश होती है तो यहां से कुछ मिनरल्स ई वाले एरिया से नीचे चले जाते हैं जैसे कभी सिलिका चला जाता है कभी आयरन चला जाता है कभी एल्यूमिनियम इसको लीचिंग बोलते हैं जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है मिनरल्स की और बी आपका होता है सब सॉयल यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं बी वाले पोर्शन में सी आपकी होती है जब छोटे छोटे पत्थर मेन आपको दिखते हैं सी को आप बोलते हो जी रेगोलिथ सी के लिए वर्ड क्या यूज होता है जी रेगोलिथ जहां पे और आर आपका होता है बेड रॉक जो बिल्कुल नीचे वाला पत्थर है वो बेड रॉक और उसके ऊपर वाला थोड़े टूटे हुए पत्थर उनको बोलते हैं रेगोलिथ ये सब सॉयल ये एलोविएटेड जोन ये टॉप सॉयल और ये ओ बिल्कुल ऊपर वाला एरिया मिट्टी का ये टोटल सॉयल प्रोफाइल होती है इसको कहते हैं सॉयल प्रोफाइल चलिए जी आगे देखिए इंडिया फर्स्ट गोल्ड ए टी एम कम्स अप इन हैदराबाद इंडिया का पहला गोल्ड ए टी एम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी हैदराबाद में हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है आपको पता है बेस्ड गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड है सेटअप इंडिया फर्स्ट गोल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए टी एम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन उन्होंने एक गोल्ड मशीन लगाई है कहाँ पे रघुपति चैम्बर्स इन बेगमपट्ट हैदराबाद में चौबीस घंटे यहां से गोल्ड की अवेलेबिलिटी है जनरली आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जनरली यूज करके गोल्ड के सिक्के निकाल सकते हो और मिनिमम 0.5 ग्राम मतलब आधा तोला जिसको बोलते हैं ठीक है जी और मैक्सिमम 100 ग्राम्स ठीक है जी 10 तोले आप कह सकते हो तो इसके बीच में यहां से आप सोना निकाल सकते हो ये आपकी गोल्ड मशीन है ठीक है जी गोल्ड ए है पहला सेटअप किया गया हैदराबाद है में वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल पेमेंट्स इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड लाइन की ठीक है जी आप देख सकते हो टॉप थ्री यूपीआई एप्स इन टर्म्स फोन पे गूगल पे एंड आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप ये तीन इंडिया की बेस्ट टॉप यूपीआई पेमेंट्स है जिनसे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है सारा सारा आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है जो टॉप थ्री स्टेट्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट ट्रांजेक्शन होती है वो कौन सी हैं महाराष्ट्र कर्नाटका एंड केरला महाराष्ट्र कर्नाटका एंड केरला और टॉप के तीन शहर कौन से हैं बेंगलुरु हैदराबाद एंड चेन्नई सिर्फ इतना आपको याद रखना है सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई और स्टेट्स कौन सी हैं महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तीन ऐप कौन सी हैं फ़ोनपे गूगल पे एंड पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप ठीक है जी बाकी जो डाटा है डाटा हमारे काम की चीज़ नहीं है मतलब प्री लेवल पर नहीं है वीना नायर रिसीव्स द दो बाईस प्राइम मिनिस्टर प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया वीना नायर जो एक इंडियन ओरिजिन टीचर हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में उनको प्राइम मिनिस्टर प्राइज़ मिला है साइंस के लिए अंडर द प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल कैटेगरी वीना नायर जो कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथेमेटिक्स एक स्टीम प्रोजेक्ट है उसके अंदर लीडर एंड हैड ऑफ टेक्नोलॉजी एट व्यू बैंक कॉलेज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया उनको ऑनर दिया गया है मतलब उनको प्राइज दिया गया है प्राइम मिनिस्टर प्राइज उनको मिला है वीना नायर को आपको समझ लग गया ये कौन है इंडियन ओरिजन टीचर है मेलबर्न में जो कि साइंस के लिए इनको ये प्राइज मिला है गॉबलिन मॉड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर लोकल अडेप्टेशन चैंपियंस अवार्ड एट कॉप ट्वेंटी सेवन क्लाइमेट समिट कॉप ट्वेंटी सेवन आपको पता है जी एजिप्ट में हो रही है शर्मल शेख उस एरिया में कॉप ट्वेंटी सेवन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बार बार इसकी बात हो रही है तो स्वयं शिक्षण स्वयं शिक्षण प्रयोग एक महाराष्ट्र बेस्ड एन है जिनको ये लोकल अडेप्टन चैंपियनशिप अवार्ड मिला है यह अवार्ड उनको किस लिए मिला है क्योंकि उन्होंने रूरल वुमेन्स को एस स्वयं शिक्षण प्रयोग ने क्या किया है मोर देन तीन लाख रूरल वुमेन्स को बताया है कि कैसे इंडिया को अडॉप्ट करना है क्लाइमेट चेंज विद हिज मॉडल विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन एट डिस्ट्रिक्स की कैसे करना है इसके अंदर जनरली कैपेसिटी एंड नॉलेज कैटेगरी के अंदर ताकि वुमेन फार्मर्स को सपोर्ट किया गया है कि कैसे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकती हैं कौन से रीजन में मार्थवाड़ा इन महाराष्ट्र मार्थवाड़ा रीजन इन महाराष्ट्र तो वहाँ मराठवाड़ा सॉरी मराठवाड़ा रीजन इन महाराष्ट्र कैसे वुमेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकती हैं और कैसे वो क्लाइमेट चेंज से टैकल कर सकती हैं क्लाइमेट चेंज को और कैसे क्लाइमेट पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती हैं तो इसके लिए काम किया है स्वयं शिक्षण प्रयोग ने जो कि महाराष्ट्र की एक एन है तो उसको अभी लोकल अडेप्टेशन चैंपियन अवार्ड मिला है कॉप ट्वेंटी सेवन में जो क्लाइमेट समिट हो रहा है कहां पे जी श्याम अल शेख इजिप्ट में मेघना अलवत बिकम्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है नाम है मेघना अलवट इंडिया फर्स्ट ड्रोन यात्रा इन चेन्नई ये इसको आप ऐसे ही याद करोगे इंडिया की पहली ड्रोन यात्रा शुरू हुई है कहां पे जी चेन्नई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पेपर में आ गया कि ऑपरेशन सेवन 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 वट इज ऑपरेशन ट्रिपल सेवन तो आप यहां पे देख सकते हो ऑपरेशन ट्रिपल सेवन जिसने क्या किया है एजुकेट एंड एजुकेट करना है और शो ऑफ मतलब शो करना है द एफिकेसी ऑफ ड्रोन्स की ड्रोन्स की क्या क्या कैसे ड्रोन एक एफिशेंट है फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूजिस कि कैसे ड्रोन्स का हम डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इसका यूज कर सकते हैं ये है ऑपरेशन 777 777 वर्ड क्यों यूज़ किया है क्योंकि ये टोटल 777 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में ये चीज़ करनी है कितने एरिया में करनी है 777 ऑपरेशन 777 आएगा याद रखना ड्रोन्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है ड्रोन्स के लिए ड्रोन के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि कैसे ड्रोन यूजफुल है इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस और यह टोटल सेवन हंड्रेड सेवेंटी सेवन डिस्ट्रिक्स में यह काम करना है इंडिया की पहली ड्रोन यात्रा कहां पर शुरू हो रही है जी चेन्नई कहां पे हो रही है चेन्नई ये बेसिक क्वेश्चन है बीबीसी हंड्रेड वुमेन्स लिस्ट दो हजार बाईस फोर इंडियन वुमेन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनस श्रीषा बंडला एरोनॉटिकल इंजीनियर जो बुकर आर फीचर ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हंड्रेड वुमेन लिस्ट चीज़ 2022 लिस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ वुमेन एट द हार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराज बाईस चार इंडियन वुमेन्स वो कौन कौन से ये नाम लिखे गए हैं बीबीसी हंड्रेड वुमेन्स लिस्ट में चार वोमेन्स का नाम आया वो कौन कौन से आप देख सकते हो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये भी आप पढ़ोगे ये न्यूज ये वाली न्यूज जो होती हैं जनरली आप देखोगे और इनको पढ़ोगे क्योंकि ये सीधा फैक्चुअल न्यूज है फैक्चुअल ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पेपर में ये आपने पढ़ना है खुद वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर में साउथ कोरिया की मीना सोए वाज वॉज क्राउंड मिस अर्थ 2022 और जो ये कंपटीशन हुआ ये कहाँ पे हुआ जी मनीला फिलीपींस वनिशिका वंशिका सॉरी वंशिका परमार ऑफ नदान हमीरपुर हिमाचल वॉज क्राउंड एज मिस अर्थ इंडिया 2022 मिस अर्थ इंडिया किनको चुना गया है जी वंशिका परमार जो कि नदौन से हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से ये एनुअल इंटरनेशनल प्रोमिनेंट ब्यूटी कंटेस्ट होता है फिलीपींस में जहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और एन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर भी बात होती है और मिस अर्थ चुना गया है जी आपकी साउथ कोरिया की मीना सोए चोए को और मिस अर्थ इंडिया चुना गया है वंशी का परमार को इंडिया सेवेंटी सेवन चेस्ट ग्रैंड मास्टर मुंबई प्लेयर आदित्य मित्तल सिक्सटीन ईयर ओल्ड हैज़ बिकम इंडिया सेवेंटी चेस ग्रैंड मास्टर थर्ड एडिशन चल रहा था ई वन ललॉब रेगाट ओपन चेस टूर्नामेंट इन स्पेन वहाँ पे इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने हैं नाम क्या है जी आदित्य मित्तल इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे अभी हमने पढ़ा है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ये कन्वेंशन हुई थी ये शिकागो में कन्वेंशन हुई थी शिकागो में, शिकागो में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में और ये हुई थी सात दिसंबर को तो उस दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है इसका मैं आपको हेडक्वार्टर बता चुका हूं मॉन्ट्रियल में है ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आप ये देख सकते हो केंद्रीय सैनिक बोर्ड आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सात दिसंबर को मनाया जाता है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है जी जनरल मनोज पांडे ये वन लाइन जो न्यूज है इनको सारा डिटेल में नहीं डिस्कस करना आर बी आई बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आपको पता है आर बी आई की हर बाय मंथ दो मंथ के बाद एक मोनिटरी पॉलिसी आती है कि आर बी आई ने मार्केट में मनी सप्लाई को कैसे करना है मनी सप्लाई को ज्यादा डालना है या मनी सप्लाई को कम करना है तो उसके लिए आर बी आई अलग अलग चीज़ें करता है और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई हुई है जिसके टोटल सिक्स मेंबर्स हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं जो बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी जारी करते हैं तो उसके ऊपर आप डाटा देख सकते हो और स्टेचुटरी एस सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है कि वो कितना है ये सारी आपको जो लोग ब्राइट की ऐप जिनके पास ब्राइट की ऐप का एस है वो इकोनॉमी के लेक्चर देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स हैं वहाँ पे तो वहाँ पे एक मॉनिटरी जो बैंकिंग है वहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक करवा रखे हैं डिटेल में वैसे भी मैंने लास्ट क्लासेज में सारे टॉपिक करवा रखे हैं जो पहली बार लेक्चर लगा रखे हैं लगा रहे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में देख के आना है सी आर आर एस एल आर बैंक रेट एम एस एफ और उसके बाद रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये सारी चीज़ें देख के आनी है जी कि कैसे इनसे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है और ये क्या होता है सीआरआर एस एल आर बैंक रेट एम एस एफ रेपोरेट रिवर्स रेट ये मॉनिटरी पॉलिसी आप देख के आओगे मॉनिटरी पॉलिसी का ही पार्ट है टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वॉलमेर जेलेंसकी को एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन एज इट्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब उनको चुना मतलब बोला गया है पर्सन ऑफ द ईयर आपको पता ही है कि जनरली बोला गया है कि यूक्रेन की स्पिरिट को या यूक्रेन के प्रेसिडेंट को सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि कैसे उन्होंने एक इतने बड़े देश के साथ रशिया के साथ मतलब वो लड़ते रहे हैं या अपना उन्होंने घुटने नहीं टेके अपनी शर्तें उनकी शर्तें नहीं मानी तो इनके लिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर भी कहा गया है ये न्यूज आप पढ़ लोगे सारा फॉर्ब्स दो हजार बाईस वर्ल्ड हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वर्ल्ड में थर्टी सिक्स रैंक है रोशनी नडार मल्होत्रा फिफ्टी थर्ड रैंक है नायका की क्रिएटर फाल्गुनी नायर एटी नाइन्थ रैंक है दुनिया में अगर हम बात करें पहले हंड्रेड में द लिस्ट इज फीचर इलेवन बिलीनियर्स विद द कंबाइंड नेटवर्थ ऑफ यू एस बिलियन ये जनरली क्या है यह एक लिस्ट होती है जिसमें ग्यारह बिलीनियर्स विद विद द नेटवर्थ जिनकी कंबाइंड नेटवर्थ एक बिलियन हो 10 हेड्स ऑफ स्टेट एंड 39 नाइन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें इतने लोगों को मतलब रखा जाता है लिस्ट को टॉप किया है और सूला वॉन डेर लेन ऑफ जर्मनी ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सबसे टॉप पे हैं फॉर्ब्स 2022 हज़ार 100 वर्ल्ड हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन में हमारे इंडिया की सबसे टॉप पे हैं जी निर्मला सीतारमन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू नाम है डीना आर्सिलिया बॉल बॉलर्ट जगरा पेरू आपका पड़ता है जैसे यहां पे नीचे साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका के इस एरिया में यहां पे यहां पे कंट्री है पेरू ऊपर नॉर्थ अमेरिका यहां साउथ अमेरिका यहां पे कंट्री है पेरू तो पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जी एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ बी ट्वेंटी इंडिया बी ट्वेंटी आपको मैंने एक बार अगर आपको याद हो आपको पता है एक चीज कि इस बार जी ट्वेंटी का जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है ये आपको पता है और जी ट्वेंटी की जो प्रेसिडेंसी की सीट है वो इंडिया के पास है तो ऐसे ही लोकल एक ग्रुप होता है बी ट्वेंटी तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनको चेयर ऑफ बिजनेस बी ट्वेंटी की फॉर्म चेयर ऑफ बिजनेस बी ट्वेंटी इंडिया टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी जो जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी दुनिया के अलग अलग लीडर आएंगे तो उनके सामने जो बिजनेस के बारे में जो बातें करी जाएंगी तो वो एक रीजनल ग्रुप बनाया गया है बी ट्वेंटी जिसके चेयरमैन किन को चुना गया है जी एन चंद्रशेखरन इससे पहले एक ग्रुप और बनाया गया था सी ट्वेंटी सी ट्वेंटी क्या है इसमें सिविल ये तो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बात रखेंगी जी ट्वेंटी के सामने की कैसे बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है सी ट्वेंटी में आती हैं सिविल सोसाइटीज जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो सी ट्वेंटी की चेयरमैन किन को चुना गया था माता माता अमृता नंदमय माता अमृता नंदमय अमृता नंद मई अमृता नंदमय इनको सी ट्वेंटी की चेयरमैन चुना गया था जी ट्वेंटी के अंदर ही ग्रुप जी ट्वेंटी तो ग्लोबल हो गया बी ट्वेंटी होता है बिजनेस मैन की एक चेयर होती है जो बिजनेस के लिए जी ट्वेंटी लीडर से बात करेंगे इनका चेयरमैन किनको अपॉइंट किया है एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा स्टील के सॉरी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है और सी ट्वेंटी एक ग्रुप है जो कि सिविल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके चेयरमैन किनको लगाया गया था माता अमृता नंदमयी कि ये बात करेंगी सिविल सोसाइटी के लिए जी ट्वेंटी लीडर्स के साथ तो ऐसे ही रीजनल ये ग्रुप्स बनाए गए हैं बी ट्वेंटी सी ट्वेंटी ठीक है ना ये आपको याद रखना है जी ट्वेंटी समिट इंडिया में होने वाला है और इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है अभी शुक्रिया जी दीपक जी ठीक है जी हमारी वजह नहीं आपकी मेहनत की वजह से ही सारा हो रहा है हमारा काम तो नॉर्मली आपको पढ़ाना है कि जनरली जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना है आप ज़्यादा चीज़ों पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगी और रही बात की करंट अफेयर आपको कितने मंथ्स के करने हैं अगर आने वाले अभी जैसे जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं या फेबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप जून जुलाई से करंट अफेयर पढ़ सकते हो ठीक है जी जून जुलाई से ऑटोबायोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम सुल्तान अ मेमोर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यबल एनर्जी इन्होंने बोला है कि सोलर टॉप सोलर स्कीम जो है सॉरी सौ, रूफ टॉप जो छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं उस स्कीम को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक पहले क्या था यह प्रोग्राम जो चलाया गया था इसका जो सेकंड फेज था उसने चालीस हजार मेगावाट अचीव करना था फ्रॉम रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट से दो तक अब ये चीज़ 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है कहाँ तक एक्सटेंड कर दी गई है जी 2026 तक अब बात यहाँ वहीं फिर आ जाती है कि भाई आपने एक चीज़ देख के आनी है पंचअमृता क्या देख के आना है काफ़ी पहले से मैं बातें कर रहा हूँ पंचअमृता कि इंडिया ने जो पांच टारगेट लिए थे फाइव टारगेट्स लिए थे जो कॉप ट्वेंटी में कि कॉप ट्वेंटी सिक्स में जो इंडिया ने पांच टारगेट्स लिए थे वो पांच टारगेट्स में सोलर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करनी है या क्या है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कितनी लेनी है ऐसे ही अभी जो रूफ टॉप सोलर स्कीम है कि छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं उसको दो तक एक्सटेंड कर दिया गया है इंडिया एंड यूएस नेवीज कंडक्ट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज संगम इन गोवा इंडिया ने और यूएस की नेवल स्पेशल फोर्स इंडिया और यूएस की नेवी ने एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज की है नाम है संगम कहाँ पे एक्सरसाइज हुई है ये गोवा में ये एक्सरसाइज करी गई है द फर्स्ट एक्सरसाइज संगम वॉज हेल्ड इन नाइनटीन पहली जो संगम एक्सरसाइज होती थी नेवल एक्सरसाइज है इंडिया यूएस की स्पेशल एक्सरसाइज नाइनटीन में हुई है इस साल ये गोवा में हुई है इंडिया और यू एक और एक्सरसाइज में है एक्सरसाइज मालाबार इंडिया है यू है ऑस्ट्रेलिया है जापान है ये चारों देश ये एक्सरसाइज करते हैं मल्टी एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मालाबार और इंडिया और यूएस एस की एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास क्या नाम है जी युद्ध अभ्यास जो उत्तराखंड में हुई है और आपको पता है लास्ट टाइम से बोला जा रहा था कि एक्सरसाइजेस की एक पूरी एक्सरसाइज की एक लिस्ट शेयर कर दो तो जो ब्राइट एकेडमी का नोट्स ब्राइट एकेडमी नोट्स का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे वहाँ ये शेयर कर दी गई है एक्सरसाइजेस इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं आप वहाँ से देख सकते हो आईडी एफ नेम्ड बांग्लादेश पी एम शेख हसीना एज फर्स्ट ग्लोबल अम्बेसडर फॉर डायबिटीज अगर आपको पूछेगा कि दुनिया की फर्स्ट ग्लोबल अम्बेसडर फॉर डायबिटीज किन को चुना गया है जी बांग्लादेश की पी एम शेख हसीना उनको इसके लिए चुना गया है ड्यूरिंग वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस जो कि लिस्बन में हो रही थी पोर्तुगाल में न्यूयॉर्क फेड अपॉइंट सुष्मिता शुक्ला एज फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड इंडियन रिजन सुष्मिता शुक्ला अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क है फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क है उनकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चुना गया है किनको जी सुष्मिता शुक्ला को जो कि एक इंडियन ओरिजन है, है. रिटायर्ड एयर मार्शल पी वी आयर लॉन्चेस बुक फिट एट एनी एज ये आप देख सकते हो इंडिया के एयर मार्शल पी वी आयर उन्होंने एक बुक लॉन्च किया फिट एट एनी एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिसंबर नाइन ये दिन चुना जाता है जी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे तो इतना कुछ दिन ज्यादा थे कुछ बताने वाली ये चीजें नहीं थी तो ये आपके लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपके जो भी होंगे जो ये वीक चल रहा है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओके जी थैंक यू ये आपके लास्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स हैं